सो है गाइस, तो आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की जो वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपने फेस में स्माइल एंड अपने फेस को स्मूथ और बैकग्राउंड को हाई ब्लर आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फोटो में जो भी बताऊँ पूरा फुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँ और ये भी बताऊँ किस किस एप्लीकेशन का यूज़ किया हूँ। तो चलिए चलते हैं गाइस, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने फोटो को लाना है आप लोगों को लाइट रूम के अंदर। तो इसमें लाने वाले फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे स्लाइड करेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस कलर पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे मिक्स पे जाएंगे और सेकंड कलर पे आएंगे फ्रेंड्स। इसका सेचुरेशन को हल्का सा माइनस में रखेंगे, अपने फेस को गोरा करेंगे और लुमिनस को इंक्रीज कर लेंगे फ्रेंड्स और इस पर आएंगे फ्रेंड्स, इसका सेचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे और हुई को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे फ्रेंड्स और ग्रीन पे आएंगे, ग्रीन का हुआ भी हल्का सा माइनस पर रखेंगे और सेचुएशन को पूरा फुल इंक्रीज कर लेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे सेकंड फर्स्ट वाले कलर पे आएंगे और सेचुएशन को यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज करेंगे, वही को माइनस और लुमिनस को इंक्रीज फ्रेंड्स और यहाँ से डन कर देंगे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे लाइट पे क्लिक करना है और कंटेस्ट को हल्का सा माइनस पर रखना है और हाईलाइट को भी माइनस में और शेडो को इंक्रीज कर लेना है पूरा 100 और वाइट को भी इंक्रीज कर लेना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या करना है, ब्लैक को हल्का सा माइनस में रखना है और फ्रेंड्स नीचे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है, क्लैरिटी को हल्का सा इंक्रीज करना है, विग्नेट को हल्का सा माइनस और यहाँ पे आना है, सरप्राइज का ऑप्शन मिलेगा इसको इंक्रीज कर लेना है हल्का से, मेकिंग को भी, नॉइस को भी और कंटेस्ट को भी, कलर नॉइस को भी, लास्ट में दोनों ऑप्शन को 100 कर देना है आप लोग को और फ्रेंड्स आप लोग को इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो फ्रेंड्स आफ्टर बिफोर यहाँ पे देख लेना है, पहले सबसे पहले बिफोर या आफ्टर। तो आप लोग क्या करना है, अब अपने फोटो को यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है फ्रेंड्स और अपनी फोटो को ले चलना है फोटो रूम का एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपनी फोटो को लेकर आ चुका हूँ फोटो रूम में। तो आप लोगों यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, नीचे स्लाइड करेंगे और नीचे स्लाइड करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फोटो एडिटिंग क्लासिक पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे सेकेंड वाला पे क्लिक करेंगे, आप लोग को ब्लर अपने बैकग्राउंड को करना है और फ्रेंड्स बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, नीचे स्लाइड करेंगे, आप लोग को सेकेंड कलर पे आएंगे और इसको आप लोग को इंक्रीज कर लेना है फ्रेंड्स। जितना आप लोग को ब्लर रखना चाहते हैं आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पे, तो जितना हाई ब्लर रखेंगे उतना ही आप लोग को अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रखने से आप लोग को अपनी फोटो को अब कुछ नहीं करना है, अपनी फोटो को सेव कर लेना है और अपने फोटो को यहाँ से ले चलना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपने फोटो को लेकर आ चुका हूँ स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो इसके में आने के बाद फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे लोगो आ चुका है जो फोटो रूम में ब्लर किए हैं। तो लोगो को रिमूव करने के लिए फ्रेंड्स आप लोग टूल्स पे क्लिक करेंगे और हीलिंग पे जाएंगे और गाइस अपने फोटो को एकदम जूम कर लेंगे और आप लोग को ऐसे ड्रॉ कर देंगे जहाँ लिखा होगा। अब यहाँ से आप लोग को डन कर देना है फ्रेंड्स। तो अब क्या करना है, यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है और सिलेक्टिव पे जाना है फ्रेंड्स और अपने चेहरे पे से स्लाइड कर लेना है और हल्का सा ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है और हैंड पे भी फ्रेंड्स आप लोगों को ऐसे करना है आप लोग को सेम और यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग क्या करना है, फिर से टूल्स पे क्लिक है और डिटेल्स पे जाना है, नीचे स्लाइड करके हल्का सा ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है और फर्स्ट वाले को भी और यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से अपनी फोटो को शेयर पे क्लिक करके अपनी फोटो को ले चलना है फेस एप्लीकेशन में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी फोटो को लेकर आ चुका हूँ फेस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आने वाले फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फेस में स्माइल देंगे तो स्माइल पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आप लोग और यहाँ पे देखिए सेकेंड पे क्लिक करेंगे आप लोग क्लासिक पे और थर्ड्स वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक फेस में स्माइल आ चुका है तो यहाँ पे देख सकते हैं और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने यहाँ पे फेक स्माइल लग रहा है तो आप लोग को इसको रियल करने के लिए आप लोग इधर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, एज पे जाएंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे देखें एंट्री पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे थर्ड वाले पे क्लिक कर देना है आप लोग को और यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अब रियल आप लोग को फेस में स्माइल लग रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप फेस को अपने स्मूथ करेंगे। तो स्मूथ करने के लिए फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे देखिए स्किन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे स्मूथ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे प्रो वर्जन मांग रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वॉच ऐड कर लेते हैं तो अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा आप लोग को पूरा फुल वॉच करना है ऐड को। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग कट कर देंगे ऐड को और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरा यहाँ पे फेस स्मूथ हो चुका है। यहाँ पे 4-5 जितना ही रखना चाहते हैं आप लोग स्मूथ रख सकते हैं। तो यहाँ पे 4th ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, ज़्यादा स्मूथ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देंगे आप। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से क्या करेंगे, अपनी फ़ोटो को सेव कर लेंगे, एक बार और अपनी फ़ोटो को ले चलेंगे लाइट रूम के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपनी फ़ोटो को एक बार और लेकर आ चुका हूँ लाइट रूम के अंदर। तो इसके अंदर लाने फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाइट पर क्लिक करेंगे और नीचे स्लाइड करेंगे फ्रेंड्स। आप लोग ब्लैक को हल्का से माइनस में रखेंगे, व्हाइट को हल्का से इंक्रीज कर लेंगे और शेडो को भी हल्का से इंक्रीज, हाईलाइट को हल्का से माइनस, कंटेस्ट को भी हल्का से माइनस और फ्रेंड्स कलर पे आएंगे, मिक्स पे जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट वाले को हल्का से सिचुएशन को इंक्रीज कर लेना है, वही को माइनस में रखना है और इस पर आना फ्रेंड्स, इसका सिचुएशन को इंक्रीज कर लेना है पूरा फुल और यहाँ पर वही को भी हल्का से इंक्रीज करना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ग्रीन पे आना, इसका वही हल्का से माइनस में रखना है और सिचुएशन को पूरा फुल इंक्रीज कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से रन कर देंगे और यहाँ पे थर्ड आइकन पे क्लिक करेंगे और इस पे आएंगे थर्ड वाले पे और इसको ग्रीन पे कर लेंगे फ्रेंड्स और यहाँ से रन कर देंगे और नीचे आएंगे फ्रेंड्स हल्का सा और ब्लैक को यहाँ पे माइनस में रखेंगे और यहाँ पे आएंगे फ्रेंड्स क्लियरिटी को हल्का से इंक्रीज कर लेंगे, टेक्स्चर को भी और विग्नेट को हल्का से इंक्रीज करना है और फ्रेंड्स सरप्राइज को भी हल्का से, मेकिंग को भी, नॉइस को भी, कंटेस्ट को भी, कलर नॉइस को भी, लास्ट में दोनों ऑप्शन को 100 करना है, डिटेल्स को एंड स्मूथनेस को और यहाँ से इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो फ्रेंड्स बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, बिफोर आफ्टर। तो फ्रेंड्स आप अपने फ़ोटो को यहाँ पे सेव कर लेंगे और अपने फ़ोटो को फ्रेंड्स अगर पूरा फुल HD में एडिट करना चाहते हैं तो आप लोग एक रिमेनिंग एप्लीकेशन को यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ रिमेनिंग एप्लीकेशन को कैसे यूज किया जाता है, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फोटो सेव हो चुकी है। तो आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसी लगेगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।